हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतूज फूड ब्लॉग। कल शरद पूर्णिमा थी तो सबके घरों में, लगभग सभी हिंदुओं के घरों में खीर बनी होगी और मेरे यहाँ भी बनी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शरद पूर्णिमा की बनी हुई खीर वैसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। शरद पूर्णिमा को लगभग सभी हिंदुओं के घरों में इसलिए खीर बनती है, कहते हैं कि रात को खीर बना के चंद्रमा की रोशनी के नीचे रात भर रखी जाती है, उसको सुबह खाई जाती है। तो कहा यह जाता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और उस खीर को फिर पूजा करके सभी लोग खाते हैं। कहते हैं कि इस खीर को खाने से कई रोगों का निवारण होता है। कितना सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कहूँगी कि त्यौहार में या किसी से बनाई हुई चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है। सबसे पहले इसकी बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपके घर में जितने मेंबर हो उतने मेंबर के नाम से 1 TSF टेबल स्पूनफुल, इतना बड़ा चम्मच जितने भी मेंबर हो। जैसे हमारे घर में 4 मेंबर हैं, तो मैंने 4 चम्मच राइस लिया। राइस कोई भी हो, किसी भी तरह का राइस हो, 4 चम्मच राइस लेके 10 मिनट पहले मैंने इसको धो के अच्छी तरह से साफ करके और धो के इसको रख दिया। अब इसके बाद इसको मिक्सर के जार में दरदरा पीस लिया। देखिए इस तरह से दरदरा पीसना है, लगभग इस तरह के टुकड़े हो जाएं, रवे की तरह जो बड़े साइज का रवा होता है उस तरह के टुकड़े हो जाएं। बहुत बारीक नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। अब इस 4 चम्मच की क्वांटिटी में मैंने 1 लीटर दूध लिया, को एक तरफ बॉईल करने रख दिया। 4 चम्मच का मतलब 1 लीटर की 1 चम्मच 1 पाव दूध की क्वांटिटी के हिसाब से इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आप इस बना के देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। 1 लीटर दूध, 4 चम्मच राइस। एक बार बॉईल आने के बाद मैंने इसमें राइस डाल दिया। अब इसको एक बार बॉईल आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम में चावल की जो कटोरी थी लगभग आधा कप पानी होगा उसे धो के डाला और एक्स्ट्रा मैंने इसे पानी नहीं मिलाया। अब एक बॉईल आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम में, ना बिल्कुल लो ना मीडियम, उसके बीच के फ्लेम में आप घड़ी के 20 मिनट इसको पकने दीजिए। इसे मैंने थोड़ी सी केसर डाली, केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। एक बार हाई फ्लेम में बॉईल आने के बाद 20 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए, लेकिन बीच बीच में चलाते जरूर रहिए कि चावल नीचे लगने ना पाए। ये हमारे लगभग 20 मिनट हो गए। इस तरह से एक बार चावल चेक कर लीजिए, चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हों। देखिए हमारे चावल बिल्कुल पक गए हैं, वैसे भी थोड़े भीगे हुए चावल थे और 20 मिनट में ये पक जाते हैं। अब एक तरफ फ्राई पैन में मैंने जितना चावल लिया उतने चम्मच शक्कर, आप इस क्वांटिटी को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतनी परफेक्ट आपकी खीर बनेगी। 4 चम्मच चावल लिया तो 4 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी इसलिए कि शक्कर उसमें जलने ना पाए। और इस शक्कर को नॉन स्टिक पैन में इसको कैरेमलाइज करना है। वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको मीडियम फ्लेम में, मीडियम से लो रहे आँच, एकदम तेज ना होने पाए। जब ये पकने लगे तो आपकी चम्मच रुके ना, चल लगातार कंटिन्यू चम्मच चलाती रहे। इसको लगातार चलाते ही रहें, साइड से भी लगे उसको भी किनारे से छुटाती रहें और लगातार ही चम्मच चलाते रहने से चिपकेगी नहीं और लगेगी नहीं। ये मुश्किल से 5 मिनट में हो जाता है। इस तरह आप कैरामलाइज करके शक्कर डालेंगे, बहुत ही टेस्टी खीर बनेगी और एक अलग ही टेस्ट आएगा।
आप एक बार इस तरह ट्राई करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने जो बताया क्या हकीकत में उसी टेस्ट से थोड़ा आप जो नॉर्मल बनाती हैं उससे थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं। इसको कंटिन्यू चलाती रहें, देखिए पानी पूरा जल गया और अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। ये लो टू मीडियम फ्लेम में है इस समय गैस की हमारी। ये हमारा धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा शक्कर का। लेकिन चम्मच बिल्कुल ना रुके, चिपकने ना पाए, नहीं तो बहुत ही जली हुई महक आएगी। लगातार चलता रहे। देखिए हमारी शक्कर का कलर चेंज होने लगा। अब जैसे ही इतना चेंज हो जाए आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, क्योंकि और बिल्कुल हमारा गैस का फ्लेम ऑफ है क्योंकि पॉट इतना गर्म है नॉनस्टिक पैन हमारा कि उतने में ही आपकी शक्कर का कलर और ज़्यादा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। गैस बंद होने के बाद इस तरह का कलर आ गया हमारा। अब इसको खीर में मिला दें, जो चावल हमारे पक रहे हैं उसमें मिला दें। बहुत सेफली मिलाएं क्योंकि खीर भी उधर पक रही है और ये भी गर्म है और शक्कर डालने से वैसे भी एकदम उबाल आता है। अब इसको कंटिन्यू चला दें और किनारे से भी छुटा दें। पैन में जो थोड़ी शक्कर या लगा है ब्राउन कलर का, उसको पानी से ना धो के तो मैंने इसी से ये दो चम्मच खीर मिला के उसी में मिक्स करके डाल दिया। अभी हमारी खीर तैयार है। देखिए 20 मिनट पहले पका और 5 मिनट जब तक हमने शक्कर को कैरामलाइज किया तब तक बिल्कुल लो मीडियम में इस तरह से आ गई हमारी। 1 लीटर दूध है, 4 चम्मच शक्कर है, 4 चम्मच चावल है। अब बिल्कुल बंद करने के ठीक 1 मिनट पहले ड्राई फ्रूट डालें। वैसे भी किशमिश ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से डालिए, जो आपके पास हो या जो आपको अच्छा लगे। इसमें चूंकि मैंने किशमिश डाला है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि किशमिश हमेशा बिल्कुल लास्ट में डालिए, किशमिश का दूध के फटने के चांसेस रहते हैं। ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। इस तरह से हमारी खीर रेडी हो गई। मुझे इलायची पाउडर जब केसर डाला था तब डालना था लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैंने इलायची के दाने क्रश करके लास्ट में डाला। हमारी गैस का फ्लेम ऑफ है, इस टाइम मुझे ध्यान आया तो मैंने इलायची के 2-3 इलायची के दाने क्रश करके डाल दिए। अभी हमारी खीर तैयार हो गई। देखिए 4 चम्मच चावल में और 4 चम्मच शक्कर में और 1 लीटर दूध में बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से। और हमारी खीर बनने के बाद मैंने इसको छत पे छलनी लगा के रख दिया, क्योंकि शरद पूर्णिमा की खीर थी। मैंने छलनी लगा के इसको रात भर रखा। इसके बाद अभी मॉर्निंग में आप लोगों को इसको सर्व करके बताती हूँ कि पूरी नाइट रखी रहने के बाद भी इसकी जो कितनी गाढ़ी हुई है। मेरी सबसे मेन रेसिपी बताने का मतलब यह है कि कितनी क्वांटिटी में आप चावल, कभी होता है कि कभी गाढ़ी हो गई, कभी पतली रह गई, या शक्कर कम हो गई या शक्कर ज़्यादा हो गई, तो एक एग्जैक्ट आपको फार्मूला कि जितने चम्मच आप, जो बड़ा चम्मच होता है टेबल स्पून फुल, उतने चम्मच शक्कर, उतने चम्मच ही चावल और 1 पाव अगर दूध है तो 1 पाव में 1 चम्मच शक्कर या 1 चम्मच चावल। तो हमारा 4 चम्मच था तो मैंने 1 लीटर दूध से बनाई और उसमें थोड़ा सा वही पानी आधा कप के करीब धो के डाला। अभी हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। सबसे शक्कर को कैरामलाइज करके डाला, इतना अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इस तरह से खीर बना के देखिए। अभी दीपावली आ रही है, इस शरद पूर्णिमा को तो आप बना नहीं पाएंगे लेकिन
हिंदुओं में लगभग सभी त्योहारों में खीर जरूर बनती है। कोई गेस्ट आता है तो खीर बनती है, या कभी कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो खीर पूरी ज़रूर बनती है। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, गेस्ट के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।